अभी पिछले कुछ दिनों से जो इंदौर पुलिस की ड्रग्स के विरुद्ध जो कार्रवाई चल रही थी उसमें जो ड्रग के जो रैकेट है जिसमें मुख्य सरगना यश जैन और उसकी माँ है, इसके संबंध में एक कॉलेज की छात्रा है जिसने पढ़ने के बाद में SIT को संपर्क किया और उसने बताया कि इस रैकेट से जुड़े हुए दो व्यक्ति हैं जिन्होंने उसके साथ में गलत काम किया। पहले उसको पब एवं बार में बुलवाया, बुलवाने के बाद में फिर उसको कुछ प्रलोभन देने के बाद में कुछ ड्रग जैसी वस्तु खिलाकर उसके गलत वीडियो बना लिए और उसके बाद से ये दोनों दो व्यक्ति इसको इसके साथ गलत काम करते रहे हैं। इस पर विजयनगर थाने में एक प्रकरण पंजीबद्ध किया है और इसमें एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सर, ये आरोपी है कि जो आंटी है वो समूह में लेके आती थी लड़कियों को और उनको नशे के साथ उनके साथ गलत काम किया जाता था। नहीं, प्रश्न समझ नहीं पाया। समूह में आते थे। पीछे थोड़ा हार्दिक, थोड़ा तू पीछे हो गया। सर, जो लड़की संपर्क में आई है ये कैसे इनके संपर्क में आई थी, यश जैन और इसके संपर्क में कैसे आई थी, उसने कुछ अपनी ओर से बताया कहीं कुछ पार्टी में मिली हो? ये युवती एक प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रही है और इसने एक दो बार अपनी दोस्तों के साथ में पब में गई है ये, और उस दौरान ही इसको ये जो आरोपी हैं इन्होंने प्रलोभन दिया और उसके बाद ये उसके साथ गलत काम किया। सर, तो अभी फ़िलहाल अलग अलग पबों में ले जाना की बात भी कही है लड़की ने कि अलग अलग पबों में भी इसको लेके जाते थे या जो वीडियो बनाया था उस वीडियो के आधार पर इसको लगातार टॉर्चर कर रहे थे या इसको ब्लैकमेल कर रहे थे, ऐसा कुछ है फिलहाल? जी हाँ, ये सही है कि जब इसको इसके वीडियो बना लिए उसके बाद में ये उसको अलग अलग पबों में ले जाते रहे। सर, माना जा सकता है कि जिस तरीके से एक लड़की फिलहाल सामने आई है ऐसी कई लड़कियां होंगी जिनको पहले इन्होंने ड्रग्स दिया होगा, एडिक्ट बनाया होगा या वीडियो बना लिए होंगे, फिर लगातार ब्लैकमेल कर रहे होंगे और शहर के कई सारे पबों में इस प्रकार की इन्होंने गतिविधियाँ संचालित की होंगी। हाँ, अगर जैसा आपने देखा है कि पुलिस की कार्रवाई के बाद ये युवती सामने आई है, अगर इस तरह के और भी कोई प्रकरण सामने आएंगे तो पुलिस उस पर तुरंत कार्रवाई करेगी।